भगवान शिव के प्रति समर्पित हो गंगा जल की कावड़ तो देश में करोड़ों लोग लेकर के आते रहे हैं, लेकिन जिला हिसार के राजस्थान गांव का 23 वर्षीय शिव भगत विजय 120 लीटर की गंगा जल की बैठी कावड़ के साथ 41 दिन की कठिन यात्रा के बाद 1 अगस्त को जब अपने गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसका बड़ा सम्मान किया, क्योंकि उन्हें पता था कि विजय 120 लीटर की बैठी कावड़ के गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद अपने पिता राजेश व माता संतोष को स्नान कराएगा। युवा पीढ़ी में अनेकों के बिगड़ रहे संस्कारों से अलग यह निसंदेह अनूठी पहल थी। घर पहुंचने पर उसके माता पिता की आंखें बहुत देर तक खुशी के मारे गीली रही। राजेश ने बताया कि वह 21 जून को बैठी कावड़ देने के लिए हरिद्वार की हर की पौड़ी के लिए निकला था, जब उनका वजन 60 किलो था, जो घर लौटने पर 54 किलो मिला। उसने बताया कि गंगा जल की डाक कावड़ तो वह पहले भी 8-9 बार ला चुका है, लेकिन इस बार भगवान शिव के साथ साथ अपने माता पिता के प्रति समर्पण का अनूठा विचार उसे सूझा और वह निकल पड़ा। उसके माता उम्र में अभी 1.5 भी नहीं है, जो इस उम्र में भी औलाद के सेवा संस्कारों से अभी से धन्य हो गए कि वीडियो देश भर में वायरल है और बड़ी संख्या में दर्शक उसके लिए सद्भावना छोड़। कारण यह भी कि है कुछ अलग तब किया जब देश में बहुत माता पिता अपनी औलाद से अपने लिए आदर के भाव तक की उम्मीद खो बैठे हैं। युवा पीढ़ी के प्रेरणा का स्रोत बने विजय का कहना है कि वह उसके माता पिता की सेवा का इतिहास रचेगा। तो फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं और आपने काफ़ी समय पहले है आपने विजय बोले की वीडियो देखी थी कि और किस तरीके से तपती दोपहरी में है हरिद्वार से 120 लीटर गंगा जल करके है राजथल हिसार की तरफ रवाना हो रहे थे, और बीच रास्ते जब हमने इनका इंटरव्यू किया तो इन्होंने बताया कि ये जो कावड़ है जो मैं अपने माता पिता के लिए लेकर के जा रहा हूँ, और भी रास्ते में एक महिला भी आती है। फिर आपका आशीर्वाद है जी, बेटा मेरे बेटा सुख शांति तक कावड़ सुतरी डाल तड़ाव है। फिर उसके बाद ज्यादा गर्मी हो जाती है, वजन है, चक्कर वगैरह आ जाए, सो बात है, इसलिए नहीं चलते। आज तो इस भाई ने जो इस बोले को आशीर्वाद देती है और कहती है ये बोला तो बहुत ही अच्छा है, जो अपने माँ बाप के लिए है भी कावड़ देकर क्या है। दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विजय बोले के बारे में और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, तो हम फिर हाजिर होंगे किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, राम राम।